गुड मॉर्निंग गाइस, आज है ट्यूसडे। हाँ, ट्यूसडे ही आज। आज है ट्यूसडे और आज है कल से नवरात्रि चालू हो रहे हैं, तो आज मैंने थोड़ा सा साफ सफाई कर दिया, मतलब स्टार्ट किया है। कितने दिन से सोच रही थी, शायद के 10-12 दिन 15 दिन, पता नहीं कितने दिन होते हैं, वो सारे निकल गए। मैं तब से सोच रही थी रोज का साफ सफाई कर डालू, रोज का साफ सफाई कर डालू, पर हो ही नहीं रहा था मेरे से। फाइनली मैंने आज थोड़ा सा आंगन के वो झाड़ काटने के थे वो सब काट काट के थोड़ा सा साफ सफाई किया है। और उसके बाद, और मैंने कल आपको बताया था ना, मैं बीपी की गोली लाना भूल गई हूँ, तो मेरा सर बहुत दुख रहा है। मैं जल्दी से पहुँचती हूँ, पर उस बीच में मुझे ना यहाँ जाना है लाइट बिल निकालने। इस बार भी मेरा लाइट बिल आया नहीं है, तो मैं लाइट बिल निकाल के उसको भरना पड़ेगा, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा और डेट ये हो जाती है तो फिर बाद में परेशानी होती है। तो आज पहले रास्ते में जाते जाते वो काम कर लेती हूँ और बस। और क्या, रात को क्या हुआ गाइस, रात को मैं आई ना तो लाइट गई थी घर की लाइट, हालांकि अभी भी गई है, लाइट गई थी। तो आके फिर मैंने सोचा अब यहाँ ये बेडरूम में नहीं सोना, वहाँ के बेडरूम में मैंने विंडोज़ खुली रखी है, जाली लगाई हुई है ना, तो वहाँ से विंडो में से ठंडी हवाएं आती है तो फैन से काम चल जाता है, तो मैं वो वाले बेडरूम में सोई। पर मुझे यहाँ ये वाले बेडरूम में सोने की आदत है ना, तो मुझे रात को नींद नहीं आई जल्दी से, मतलब आती थी नींद जाती थी ऐसा हो रहा था। और सुबह मैं 4 बजे जग गई थी पर उठने को दिल नहीं किया, फिर 5 बजे अतिथि को उठाया, अतिथि हॉस्टल में रहती है तो अतिथि को उठाया क्योंकि उसका क्लासेस रहता है। डॉक्टर बन गए हैं लेकिन फिर भी अभी बचपना उनका गया नहीं है, उनको क्लासेस में जगह पकड़ने के लिए जल्दी जाना पड़ता है, तो हर एक का टर्न है, उन लोग का ग्रुप है 8-10 जन का तो टर्न है, तो आज अतिथि का टर्न था और क्लास थी 8 बजे की, पर अतिथि 6:30 को ही वहाँ जाके खड़े रहना पड़ता है तो ही सीट मिलती है, क्योंकि 300-400 स्टूडेंट है। तो थैंक गॉड लाइट आ गई, मुझे लगा एसी मुझे ओपन रख के ही जाना पड़ेगा इस तरह से। तो एक मिनट है गाइस, मैं जरा सा, तो वो 6:30 को ही वहाँ जाके खड़ी थी, तो थोड़ा सा गाइस डर लगता है ना उस उधर वो एरिया में के वॉचमैन वगैरह रहते हैं और बाकी स्टूडेंट भी आते हैं जगह पकड़ने के लिए, पर मॉर्निंग में इस तरह से मुझे जरा यहाँ पे टेंशन आ जाती है। तो बस वही मॉर्निंग से चल रहा है। और अब मैं थोड़ा लेट उठी और फिर उसके बाद आज सोचा था मैं नीचे का हॉल पूरा साफ सफाई कर डालूँगी, पर नहीं हो पाया, बाहर का आंगन ही करते करते टाइम हो गया। ऐसे तो मैं सोचूँ ना गाइस तो पूरा साल निकल जाएगा, पर मेरे से होगा नहीं क्योंकि मुझे मॉर्निंग 9 to बाप रे मेरी सर्दी अभी तक अच्छी नहीं हुई, मॉर्निंग 9 to रात को 9 बजे तक मुझे पार्लर पे ही रहना पड़ता है। आते आते मुझे 10:30 बज जाते, कभी कभी 11 भी बज जाते, और फिर मेरे में ताकत नहीं रहती है कि मैं कुछ काम करूं, तो इसी वजह से मेरा काम रह जाता है। और डेली का रूटीन तो मुझे करना ही पड़ता है, जैसे झाड़ू पोछा है, बर्तन है, खाना बनाना और कपड़े धोना, ये सब तो डेली के रूटीन है, पर एक्स्ट्रा वर्क जो हमारा रहता है वो सब तो रह ही जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं निकलती हूँ अभी पार्लर पे और आगे का ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। तो और इस ब्लॉग में मैं भी बता देती हूँ, मैंने नवरात्रि के 9 कलर्स के एक वीडियो डाला है, वो ज़रूर से आप देखिएगा और उसी तरह से नवरात्रि के 9 कलर फॉलो कीजिएगा। देवी के 9 कलर है, पहले दिन है ब्लू कलर, तो आप ज़रूर से कल ब्लू कलर के कपड़े पहनिएगा और देवी को खुश कीजिएगा। मुझे रात को आके मंदिर को साफ सफाई करनी है और मंदिर को पूरा अरेंज करना है क्योंकि मेरे से सुबह हो नहीं पाएगा, सुबह मुझे खाना भी बनाने का रहेगा, सब
झाड़ू पोछा रहेगा, बर्तन रहेंगे, कपड़े रहेंगे, तो मुझसे सुबह वो सब होने पाएगा। तो आज मैं रात को आके मंदिर अरेंज कर लूँगी। तो गाइस चलिए मैं निकलती हूँ पार्लर पे, बाय बाय, और आगे आगे मिलते रहेंगे हम। बस पार्लर पे लगी हुई थी और अब मैं घर पे आई हूँ और बस थोड़ी देर बैठ गई थी, ऐसे ही बैठी रही। आज मेरा खाना खाने का कुछ दिल नहीं है, कल से नवरात्रि चालू हो रहे हैं। मॉर्निंग को मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था लेकिन उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस रास्ते में थोड़ा सा बहुत विंडो शॉपिंग करते हुए आ रही थी। तो सब दूर ब्लू कलर की साड़ियाँ, ब्लू कलर के ड्रेसेस लगे हुए थे क्योंकि कल देवी का फर्स्ट डे है और देवी का कलर है ब्लू, तो कल सब लोग ब्लू कलर के कपड़े पहनेंगे। तो बस वही ब्लू कलर के कपड़े लगे हुए थे देवी के लिए। और मैंने पार्लर के लिए मटेरियल लिया बहुत सारा, तो मुझे उसमें लेट हो गया, मतलब वो शॉप पे मुझे आधा घंटा हो गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में मैंने पार्लर के लिए क्या क्या लिया है। थोड़ा अभी से थोड़ा बहुत सामान भर के रख देंगे ना, तो गाइस दिवाली में अभी आ रही है, नवरात्रि है, तो फिर ना रोज आज लू कल लू ऐसे करते करते रह जाता है। तो सबसे पहले मैं पार्लर से निकल के पेट्रोल भरवाने गई, पेट्रोल भरवा के मैंने फिर सारा मटेरियल लिया, थोड़ा बहुत, थोड़ा ही लिया मतलब जितना मैं उठा पाती हूँ उतना लिया, और बाकी का बाद में ले लूँगी दूसरी बार, तो वो लिया। और गाइस मैंने दो लिपस्टिक के शेड बहुत अच्छे लिए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैं आपको बताऊँगी। और बस अब मैं आज खाना तो कुछ लाई नहीं हूँ, ना ही खाना बनाया है मैंने कुछ, इतना लेट हो गया। तो एप्पल है, तो जय के फ्रेंड कोई आए थे शिमला से, तो वो तो एप्पल लेके आए थे, तो जब जय अभी छुट्टी में आए थे तो बहुत सारे एप्पल घर में रख के चले गए, मैंने बोला आप लेके जाओ आप खा लेना, तो थोड़े ही लेके गए और बाकी के मेरे लिए रख गए। तो अभी मैं वही काट के एप्पल खा लूंगी और बस सोते हैं क्योंकि कल रात को ठीक से नींद नहीं आई थी, रूम चेंज हो गया था, तो आज अब सोते हैं। सुबह उठ के बहुत काम है, नवरात्रि का फर्स्ट डे है तो मंदिर को पूरा साफ करना है और अच्छे से मंदिर को सजाना है और उसके बाद पार्लर पे जल्दी से पहुंचना है। तो चलिए आगे आगे मैं क्या करूंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और गाइस आज मेरा एक ये प्लान था कि आपको मैं हेयर स्टाइल दिखाऊं, पर सारे क्लास वाले पूरी तरह से आए नहीं थे और फिर क्लाइंट भी थे दोपहर को, तो नहीं कर पाई। तो चलिए फिर से बाद में सीखते हैं। तो गाइस चलिए मैं एप्पल खा लेती हूँ पहले और मिलते हैं आप सुबह। गाइस मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं पार्लर के लिए क्या क्या लाई हूँ, ठीक है, चलिए मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, बैक कैमरा करती हूँ। गाइस तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने पार्लर के लिए क्या क्या लिया है। मैंने ये स्ट्रेटनिंग क्रीम लिया है, एक ये मल्टी लाइट्स लिया है और वैक्स लिए हैं एलोवेरा के वैक्स। गाइस मुझे एलोवेरा का वैक्स अच्छा लगता है, हनी से ज़्यादा मुझे एलोवेरा ज़्यादा पसंद है, हाँ एलोवेरा वैक्स मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने एलोवेरा वैक्स लिया है। और मैंने ये दो फेस पैक लिए हैं सैंडल के, एक क्रीम लिया है मैंने और मैंने लिए हैं कुछ मेहंदी के पाउच, थोड़ी बहुत मेहंदी के पाउच पड़े हुए हैं पर मैंने थोड़े और ले लिए, और ये थोड़ा और भी कुछ सामान लिया है मैंने।
और गाइस मैंने दो लिपस्टिक भी ली है, मैं बताती हूँ आपको। दो लिपस्टिक वो अलग से पर्स में रखी है। ये है एक मिस क्लेयर की मैंने ली है, मैं आपको बता रही हूँ। मिस क्लेयर की, इसका नंबर है 61। ये लेटेस्ट नंबर लेटेस्ट कलर आया था, तो मुझे ये अच्छा लगा कलर, ये शेड अच्छा लगा, तो मैंने ट्राई नहीं किया है क्योंकि पैक थी, खोल के देखना मना था। तो ये ली, मैं आपको लगा के दिखाऊंगी ये कैसी लगती है। वैसे मुझे मिस क्लेयर की लिपस्टिक्स, लिक्विड लिपस्टिक अच्छी लगती है गाइस। और ये दूसरा शेड लिया मैंने, ये भी मिस क्लेयर का ही है, और ये है 5 नंबर। ये शेड भी मुझे अच्छा लगा, इसको उसने ओपन करके मुझे दिखाया और मैंने चेक करके लिया, और गाइस ये मुझे मिली है 250 रुपीज ईच, दोनों 500 की हुई है ये लिपस्टिक। पर मुझे लिक्विड लिक्विड लिपस्टिक अच्छी लगती है, इसलिए मैं लिक्विड लिपस्टिक, इस तरह की मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक हो गई है। तो गाइस, तो मैंने पार्लर के लिए इतना सामान लिया है और अब हो गई है रात, तो चलिए एप्पल खाते हैं और मिलते हैं सुबह। एप्पल के साथ पानी पूरी का पानी पी रही हूँ, पूरी खत्म हो गई है, पानी है, पानी पूरी का पानी तो अच्छा लग रहा है पीने को। एक आइडिया लगाई है मैंने, मैंने क्या किया, मुझे ना ये सारी लिपस्टिक, बहुत सारी लिपस्टिक हो गई है ना मेरे पास, तो मुझे ऐसा बॉक्स चाहिए था जिसमें मैं ऐसी खड़ी खड़ी लिपस्टिक रखूँ। तो मेरे पास अभी तो कुछ मिला नहीं, तो मेरे पास ये कप सूप का एक बॉक्स था नॉर का, तो मैंने वो लिया है और उसमें मैं अपनी लिपस्टिक जमा रही हूँ, ताकि मुझे ना लिपस्टिक प्रॉपरली हमेशा मिल जाए फटाक से। मतलब ये इस पाउच में मैं रखती हूँ ना, तो पाउच में ढूंढते ढूंढते सुबह टाइम नहीं रहता ना, भागम भागी मची रहती है, तो इसलिए बॉक्स में अरेंज करके रख देती हूँ। गाइस मुझे जो जो डेली यूज को सामान लगता है ना, वो मैंने इसमें लिपस्टिक और ये सब अरेंज करके रख दिया है। ये मेरी लिपस्टिक और पूरा मेरा मेकअप का कलेक्शन जो मुझे डेली यूज को लगता है, वो सब मैंने इसी में रख दिया है। ये सारी लिपस्टिक का कलेक्शन है पूरा, और ये फाउंडेशन है, प्राइमर है, मस्करा है, आईलाइनर है, बस उतना चीज मुझे डेली में लगता है, तो मैंने इसको इस तरह से अरेंज करके रख दिया, तो ड्रेसिंग टेबल पे मेरे को रखने को अच्छा पड़ा।
चलिए गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय।